नमस्ते राम राम कैसे हैं आप और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा एक स्टॉक है दिस इज स्टॉक विच इज इन मतलब अंडर वैल्यू डबी इसका ट्रेडिंग हो रहा है दैट इज हीरो मोटर का उप, जो हीरो मोटरसाइकिल्स हैं सो so ये बिजनेस जो है यहाँ पे बेसिकली मैंने एक स्क्रीन बना के रखा हुआ है इसका लिंक मैं दे दूंगा तो स्क्रीन का है बेसिकली प्रॉफिटेबल स्मॉल कैप्स विद लो बी मतलब जिनका मतलब आपका अच्छा कम पी है बट इन्होंने क्वार्टरली मोर देन थर्टी सेल दिया है क्वार्टरली प्रॉफिट जो है मोर देन थर्टी परसेंट है पी रेशियो जो है लेस देन फिफ्टी है कैपिटलाइजेशन इज मोर देन फाइव थाउजेंड करोड़ सो माई यूजर नेम इज योगी बैड सो एनी वे सो ये मैं आपको लिंक दे दूँगा वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से अलग अलग मतलब स्टॉक्स हैं जिसको आप कंसडर कर सकते हैं जो अच्छा यहाँ पर दे रहे हैं बिकॉज दिस आर आई थिंक वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक और यह सब मैक्सम जो है अंडर वैलू स्टॉक है तो अभी हम बात करेंगे हीरो मोटरकॉप के बारे में हीरो मोटरकॉप आपको जैसा पता है कि मोटरसाइकिल और स्कूटी बेचती है इट इज ऑफ द आई थिंक द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया विच इज़ टू वीलर कम्पनी इन इंडिया और यह सब ब्रांड आपने कभी खुद भी चलाया होगा या कभी सबने देखा होगा कि मुझे ये बाइक खरीदना है चलाना है सो so, गांव गांव में सपोज आपको पता है यू नो दिस कंपनी सो इट वॉज हीरो होंडा सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे स्प्लिट फ्रॉम होंडा एंड यू नो दे बिकेम हीरो मोटर कारॉ सो अभी जो यहां पे दिखा रहे हैं अगर इसको uh, टिकट टेप में अगर हम चेक करते हैं सो so, टिकट टेप में अगर हम सो so, टिकट टेप में अगर हम चेक करते हैं तो यहां पे हम देख पाएंगे कि इसका जो इंटेंसिक वैल्यू है दट करंट वैल्यू जो है इज लेस दैन इंटेंसिक वैलू रिटर्न रिटर्न जो है obviously अच्छा दे रहा है बट यहाँ पे बिकॉज अ लार्ज कैप कंपनी आपको देख देख रहे हैं इट्स अ लार्ज कैप कंपनी सो लार्ज कैप कंपनी बिकॉज इट इज कैश रिच कंपनी सो इट इज इट्स प्रोवाइडिंग यू विद बेटर रिटर्न और बेटर डिविडेंस और यहाँ पे कोई स्टॉक um, मेपुलेशन अभी तक तो स्टॉक मेनपुलेश नहीं हो रहा है सो एस एम जी एस एम प्लस में नहीं है एस ए गुड पॉइंट टू एंटर दिस स्टॉक बिकॉज इट इज़ अंडर वैल्यूड तो अभी ये तो चीज आपको समझ में आ गया होगा तो अगर हम इसका स्टॉक देखें तो ओवर पीरियड ऑफ फाइव ईयर इट हैज़ गिवन अ माइनस सेवन परसेंट रिटर्न बट अगर हम इसको हम देखते हैं इवन एक साल के अंदर भी इसने ग्रोथ उतना नहीं किया है पाँच साल में भी ग्रोथ उतना नहीं किया है बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ गिवन यू नो अराउंड टेन टेन एक्स रिटर्न विच इस ओकेश इट्स नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड और अगर एस आई पी के साथ कर, आप, अगर इसको कंपेयर करते हैं सो इट हैज बेसिकली इोडेड योर आर जो इसका नेगेटिव दिखा रहा है सो so अभी आ, अगर हम इसको देखते हैं तो लो बोला लो रो स्टॉक है अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है दिस कैन भी गुड स्टॉक ओवर होराइजन ऑफ्टी ईर्यस ट्वेंटी ईयर्स अगर आप करना चाहते हैं बिकॉज इ्स अस्टेबल कंपनी तो बैलेंस शीट अगर हम चेक करते हैं इसका बैलेंस शीट अगर इंडस्ट्री uh, ग्रोथ जो है डेट टू इक्विटी रेशो इज़ वेरी लो करंट एसेड और uh, इसको अगर मैं अगर मैं इसका कैश फ्लो अगर देखू तो फ्री कैश फ्लो मतलब आपने धंधा किया धंधा करने के बाद आपके पास कितना बैंक में पैसा बचा हुआ है सो इंडस्ट्री कैश फ्लो जो है दै इज टू बट इसका जो है इट्स वे मच हायर बिकॉज इट हैज इट्स अ कैश रिच कंपनी इट्स अ कैश रिच कंपनी सो अभी मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है फ्री कैश फ्लो जो है आप देख पा रहे हैं वोर पीरियड ऑफ टाइम इट्स ग्रोइंग इज ग्रोइ इज ग्रोइंग सो 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 बिकॉज टू के बाद थोड़ा सा डिप तो आएगा बट स्टिल इट इज रिकवरिंग रिली वेल बहुत ज्यादा डिप इसमें नहीं हुआ है तो ज्यादा और एक चीज मेरी मैंने जो देखा है कि इट हैज ग्रो अल आउट ऑफ लाइबिलिटीजीजीजीजीज विच इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी तो अगर इंटेंस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करते हैं इंटेंसिक वैल्यू के बारे में इंट्रेंसिक वैल्यू जो है एज पर द कल कैलकुलेशन है इट इट इज अराउंड थ्राउंड टू हंड्रेड नाइटी फाइव मेरे कैलकुलेशन से मोरल से सेम ही आता है सो अभी जो इसका है इट्स इट्स राइट नॉट रेडिंग इन अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट माइनस ट्वेंटी परसेंट एंड ग्रोथ रेट अगर हम देखते हैं बिकॉज कोविड की वजह से पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन हैज बिकम मच व इम्पॉटेंट तो यहाँ पर लोग जो है अपना जो बाइक है या जो भी है सस्ता जो है वो परचेज करना चाहते हैं हिरो इज नो फॉर दट वो लो कॉस्ट आपका जो है टू व्हीलर बनाती है बट ओवर अ ऑफ टाइम इट हैज लॉस्ट मार्केट टू होंडा एंड अदर कंपनीज या माह और लोग जो है देआर बाइंग मोर एंड मोर वहीकल्स सो दट वाई यू विल सी जो कंपनीज हैं they have they are basically you know four-wheeler companies are doing really well but two-wheeler companies are not doing that well so agar hum valuation ki baat kere, so as you can see here that fair value is around 1900 rupees and it is right now trading at overvalued so, यहाँ पे आपको खुद का जो है मोटा मोटी निकाल लेना पड़ेगा एक वैल्यूशन चार्ट मेरा वैल्यूशन चार्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो बताइएगा मैं अपना वैल्यूशन चार्ट आपको समझाऊंगा बट यहाँ पे आप मार्केट सर्वे करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि राइट इट इट इज़ ओवर वैल्यू बट यहाँ पे इस दिखा दिहा इजर वैल्यूड बट एज पर माई रिसर्च इट इज अंडर वैल्यूड राइट एंड द रीजन आई एम गोइंग टू शो यू वाई तो अगर हम स्क्रीनर में चले जाते हैं स्क्रीनर में जाने के बाद अगर हम इसका पी रेशियो अगर चेक करते हैं मैक्सिमम अगर करते हैं तो इसका मीडियम पी रेशियो कितना है तो मीडियम पी रेशियो होता है आपका ट्वेंटी पॉइंट सिक्स तो ये आपका मीडियम रेशियो का लाइन है और अगर हम ये आपका इस इस लाइन को अगर हम फॉलो करते हैं और ये जो बार ग्राफ है दीजार ई पी एस <coughs> तो ई पी एस अर्निंग पर शेयर है ओर पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ ग्रोन इट हैज ग्रोन इट हैज ग्रोन बट ट्वेंटी ट्वेंटी में इट स्टार्टेडेडेड टू डि यहाँ पर डिप हुआ फिर से यह ग्रो कर रहा है सोट्स ए वेरी गुड साइन तो गुड साइन के साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका पी रेशियो है पी रेशियो ऑलो वैंड डाउन एंड अर्निंग पर शेयर जो है वो ऑबियसली यहाँ पर बढ़ रहा था अभी जो है यहाँ पर अर्निंग पर शेय जो है इस डोमेन में इस क्वार्टर में ऑबियसली गिराया बिकॉज ऑफ कोविड फिर आस्ते आस्ते इसका पी रेशियो जो है वो भी बढ़ा है क्योंकि आपका जो ई जो है पी ई क्या होता है प्राइस टू अर्निंग yeah. अगर अर्निंग कम होगा तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा तो यही चीज़ जो है आपका इट वॉज गोइंग अप राइट नाउ इट ऑल्सो कमिंग डाउन तो यहाँ पे आप जो मीडियम लाइन है मीडियम लाइन के नीचे चल रहा है सो so, ये आपका अभी अंडर वैल्यूड है इट्स नॉट दट यू नो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है बट स्टिल इट इज अंडर वैल्यूड क्योंकि ये बेसिक आपका फंड है यहाँ पे आपका इस इस डोमेन में अभी काम कर रहा है सो इट इज राइट नाउ हैविंग मे बी यू नो पी रेशियो एटीन होगा बट यहाँ पे मीडियम जो है दट इज ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सो इट इज ट्रेडिंग बिलो दैट दट मीस इट इज अंडर वैल्यूड तो इस पोजिशन पर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बट और एक चीज़ यहाँ पे मेन जो मैं देखना चाहता हूँ कि प्राइस कितना मूवमेंट हुआ है प्राइस मूवमेंट भी इट वज Like more or less the same. So it's moving, you know, as for it's it's going well. So right now it is undervalued, so it moves with the market here as well. एंड ओबली डेट फ्री या बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर अगर हम सेल्स एंड एक् 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 एक्सपेंस अगर देखते हैं ग्रोथ अगर हम देखते हैं इट हैज़ सीन अ नेगेटिव ग्रोथ थ्रू आउट टू थाउजंड नाइनटीन अबविसली इस जगह पर हुआ था एंड बिकॉज मैंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिकली जो है ज़्यादा बाइक बाइक जो है टू वील खरीद शुरू कर रहे हैं लोर मिडिल क्लास मिडिल क्लास फैमिलीज तो यहाँ पर आपका जो है कॉन्सटेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलता है कॉन्स्ट ग्रोथ यू की ए कॉन्स्ट ग्रोथ है सो एटी थ्री परसेंट थर्टी फोर परसेंट फिफ्टी परसेंट सो मैं यहाँ पे अगर हम देख मैं मैं अगर मोटा मोटी कैलकूलेट करता हूँ सो अराउंड थर्टी परसेंट टू ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है इसका ग्रोथ हो रहा है अभी अगर हम क्वार्टरली इसको हम चेक करें सो मोटील कॉस्ट इज ऑलमोट यू इट हैज इंक्रीज डिट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेन एन एवरी थी बट एम्प्लॉई कॉस्ट हैजप्ट क्योंकि दो हज़ार बीस में यहां पर दिखाई दे रहा है तरह परसेंट था फिर इन्होंने क्या क्या छठाई करने के बाद आपका जो है कम हुआ है विच इज गुड फॉर यूनो एन इवेस्टर नॉट गुड फॉर इकनोमी बट गुड फॉर इन्वेस्टर सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गन अप विच इज गड बीच में डिप हुआ था विच इ गुड अदर इन 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 इनकम हैज ऑल्सो रिड्यूस विच इज गुड एंड्रिसिएज इन ओके आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज नाइन नाइन थ्री करोड़ सो दे इज अज है दजूज जम है ग्यारह सौ करोड़ का डिप था बहुत ज़्यादा फिर उसने रिकवर किया बाउंस बैक किया जिसको कहते हैं विवेक बिंद्रा बाउंस बैक बाउंस बैक और अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखते हैं तो इट वॉज इट डिप्ट मतलब बेसिकली मतलब वन टैंथ हो गया टेन परसेंट हो गया था दैन इट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बेगैन टू फॉलो अप विच इज़ अ वेरी गुड साइन है सो अभी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं सेल्स एंड एक्सपेंसि अगर हम इसको चेक करें सेल्स एंड एक्सपेंसिज एवरीथिंग इज फाइन बट यहाँ पर मेन इशू जो मेरे को मैं देख रहा हूँ अलॉट ऑफ कंपनीज बिकॉज दिस कंपनीज हैव टू मेक प्लान्स एंड एवरीथिंग टू मैनुफेक्चर देर टू व्हीलर्स एंड एवरीथिंग सो ई पी एस एवरीथिंग इज ओके सही है और इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका डिडन पे आउट करें, जो देखिए कि लास्ट ईयर क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है गिरा हुआ था बहुत ज्यादा तरीके से इसने डिडन पे आउट किया सेवेंटी टू परसेंट इसने हिस्ट्री में इतना कभी किया ही नहीं है राइट वे बैक इन टाउजेंड एटीन इन्होंने किया था सिक्सटी टू परसेंट बट बिकॉज पीपल आर जस्ट टेकिंग द मनी एंड ओवर द पीरियड ऑफ फाइव इयर इट हज गिवन मतलब बेसिकली कैपिल हुआ है सो डिविडेंड बहुत अच्छा दे रहे हैं सो यू कैन लुक इन टूट इट बट मेरा मेन कंसर यहाँ पे है कि इनका जो लाइबिलिटी है दट हैज़ इंक्रीज डॉ लॉट दट हैज़ इंक्रीज डॉ ओवर पीरियड ऑफ टाइम दो हजार उन्नीस में भी अगर हम चेक करते हैं पांच हज़ार करोड़ इनका लाइबिलिटी था स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हैव राम दे है ऑलो बिकॉज दे हैव कैश रिजर्व इसलिए मैं उतना बॉदर नहीं करूँगा बिकॉज उनका कैश रिजर्व जो है दट इज अराउंड फिफ्टी थाउजेंड करोड़ एंड रिजर्व यू नो दे कैन कम्पेंसेट फॉर दट तो उतना कुछ इशू नहीं है बिकॉज उनका कैश रिजर्व भी थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ है तेरह हज़ार से उन्होंने पंद्रह हज़ार छह सौ तक उसने कैश रिजर्व निकाला है कैसे निकाला है बिकॉज इट हैज फ्री कैश लो दट मीस द कंपनी इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑविस डज नॉट नो वट टू डट मनी सो दट्स अ थिंग बट स्टोरी एंड गजली मे बी इट मेकिंग यो अगर फर्द रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा तो प्रमोटर्स होल्डिंग अगर देखे प्रमोटर्स होल्डिंग ऑबियसली हैव डन बाई बैक बिकॉज टू मतलब इवेस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस जितने के लिए वो नहीं है सो दट्स फाइन इट्स ओके सो दैट द बेसिक रिपोर्ट एंड द बेसिक स्टॉक एनालिसिस ऑफ हीरो मोटर कॉर यहाँ पे राइट नाउ इट इज वर्किंग राइट नाउ अंडर एंड यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये आप देख पा रहे हैं कि जो एथर बोल के कंपनी है जो बेसिकली आपका टू व्हीलर बनाती है अभी इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है तो उस कंपनी का थर्टी फाइव परसेंट ओनरशिप है